नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता से वोट लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खजराना के वार्ड नंबर 38 से बीजेपी की प्रत्याशी ममता नारायण जोशी ने महाजनसंपर्क रैली की। इस रैली के दौरान वार्ड के लोगों ने अपना प्यार और सहयोग पार्षद प्रत्याशी को जताया है। बीजेपी प्रत्याशी ने की महाजनसंपर्क रैली, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ममता नारायण जोशी की महाजनसंपर्क रैली की तस्वीरें ममता जोशी को क्यों? उन्होंने हर साल मतलब हर बार हमारा काम करा सकती जी। मैडम से आपका इंटरेक्शन हुआ, मैडम ने क्या वादे किए आपसे? मैडम ने सभी वादे किए हैं, पानी का, सड़क का, हर चीज का वादे किए हैं। तो मैडम तो आप लोग यहाँ बिल्कुल जिताएंगे, इंशाल्लाह सारा वादा पूरा करेंगे। काम हो रही है अभी तक, आखिरी गली में बोरिंग नहीं है। हमारा हक चाहिए, हमारे को मकान पानी भी अभी तक के समस्या ही नहीं बोले कौन दिलाएगा इस साल। मुंगेली में सेना के अग्निवीर और अन्य बलों में भर्ती के लिए जिला प्रशासन 1 जून से 31 जुलाई तक निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 5 बजे से 10 बजे तक होता है। वहीं दोपहर बाद सभी प्रशिक्षार्थियों को गणित, भूगोल और अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान की तैयारी भी इन्हें कराई जा रही है। वहीं अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने बताया कि ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इससे करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से ये किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा सैनिक की नहीं बल्कि पुलिस में, वनपाल में, अन्य जो भी विभाग के यदि निकलता है छत्तीसगढ़ या भारत के विज्ञापन, तो इसमें इन बच्चों को उस योग्य बनाया जा रहा है जिसमें ये अपना सहभागी बने और अपने भविष्य को उज्जवल की तैयारी है। वो फिजिकल की तैयारी है। डेली सुबह हम 5 बजे ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। 5 से 7:30 तक हम फिजिकल करते हैं। 7:30 से 1/2 घंटा नाश्ता में काउंटिंग करते हैं। जनगणमन हमारा राष्ट्रगान करते हैं। इसके बाद हम लोग रिटर्न की तैयारी करते हैं। रिटर्न की तैयारी में सबसे पहले इंग्लिश का क्लास होता है जिसमें हम टेंस पढ़ते हैं। उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, संविधान में पढ़ते हैं, भूगोल, मीडिया, ये सबकी तैयारी हमारी होती है। छत्तीसगढ़ के पखजूर में किसान इन दिनों काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दरअसल किसानों को खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी तरफ बारिश भी नहीं हो रही है। इस लिहाज से सूख रहे खेतों में फसल उगाना किसानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इतना ही नहीं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके के किसान किस जद्दोजहद से इस समय गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत से इन्हें जूझना पड़ रहा है। किसानों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही। ऐसे में जो खेत है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो अब किसानों को उम्मीद है, वो है इंद्रदेव से, और वो बारिश की राह तक रहे हैं कि कब बारिश हो, कब किसानों की जो सूखी हुई खेत हैं उन्हें पानी मिल सके। ऐसे में किसानों की ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, आप पेट्रोल पंप की लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की किल्लत की वजह से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों ने सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर चाकू से वार कर दिया और उन्हें घायल कर दिया है। आपको बताते चलें
जानलेवा हमले में टीआई गंभीर रूप से घायल हुए, फिलहाल उनका इलाज इंदौर में किया जा रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही आईजी संतोष कुमार और डीआईजी सुशांत सक्सेना को मिलती है, तुरंत वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अमित सोनी का हाल जाना। बताया जा रहा है कि अमित सोनी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों को अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करने के लिए गए थे और तभी उन पर हमला हो गया। तो टीआई अमित सोनी पर चाकू से वार किया गया है, बदमाशों ने चाकू से वार करके उन्हें घायल कर दिया है। इंदौर में उनका इलाज चल रहा है और जैसे इस बात की जानकारी आईजी और डीआईजी को होती है, वो अमित सोनी का हाल जानने के लिए घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। मंदसौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर टीआई अमित सोनी पर चाकू से बदमाशों ने वार किया है। फिलहाल उनका इलाज इंदौर में किया जा रहा है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आईजी और डीआईजी ने अमित सोनी का हाल भी जाना है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जो लूट के जो सस्पेक्ट्स हैं हमारे, उनको चिन्हित किया गया था और वो उनकी लोकेशन गरोड़ तरफ होने की संभावना है। तो यहाँ से टीम भेजी गई थी जिसमें टीआई कोतवाली और उनके साथी कर्मचारी थे, और साथ ही साथ वहाँ पे गरोड़ टीआई और उनके साथी कर्मचारियों को भी साथ में लिया गया था। पूरी टीम स्प्रेड आउट थी। आकस्मिक उसमें टीआई साहब के सामने जो मेन सस्पेक्ट था वो आ गया था। जब उसको बहादुरीपूर्वक टीआई साहब ने उसको अपने कब्जे में हिरासत में लेने की कोशिश करी, उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल है, उनको यहाँ पे उपचार करा लिया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बकरा बकरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 10 लाख की कीमत से ज्यादा के बकरा बकरी चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हुंडई कार के साथ 5 बकरों को भी जब्त किया है। इस मामले का खुलासा बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। तो बकरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बताते चलें, 5 बकरे जब्त किए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर लगातार बकरा चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी और ऐसे में यहाँ गांव के हमारे ग्रामवासियों ने मिलके मेढक मेढकी का शादी कराने से पानी जल्दी आता है, ऐसा गांव में पुरानी परंपरा चल रही है, जिसको हमारे दोनों गांव के मिलके हम लोगों ने आज मेढक मेढकी का शादी रचाया है, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और हमको लगता है कि जल्द ही बारिश होगा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर भिलाई के रहने वाले कर्नल कपिल देव पांडे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कर्नल कपिल देव पांडे प्रेस क्लब भिलाई की अध्यक्ष भावना पांडे के भाई थे। बताया जा रहा है कि मणिपुर के तुपुल में भूस्खलन के बाद से कर्नल कपिल लापता थे। कपिल देव पांडे 107 गोरखा राइफल्स में तैनात थे। कर्नल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कर्नल कपिल देव का शव मिला है, काफी समय से कर्नल लापता बताए जा रहे थे। 107 गोरखा राइफल्स में तैनात थे कपिल देव। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कर्नल कपिल देव का शव मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। जांजगीर चांपा में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला मनिकपुर अकलतरा के वार्ड नंबर 2 का है, जहां एक घर में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मचवाता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक महिला घर पर अकेली रहती थी, वहीं अज्ञात हमलावरों ने महिला की घर में ही हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर के आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें, महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जांगीर चांपा में जो अपराध का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एक महिला जो कि घर में अकेले रहती थी उसका शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार महिला की हत्या किसने की है। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोटरा गांव के पास NH 46 पर एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर के पलट गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में रिटायर्ड CSP शैलेंद्र सिंह जादौन की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और दामाद गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर भेजवा गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने रिटायर्ड CSP का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। तो आपको बता दें, बेकाबू होकर के पलटी एम्बुलेंस है, जिसमें रिटायर्ड CSP की मौत हो गई है। NH 46 में भीषण सड़क हादसा हो गया, तो गुना से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। बेकाबू होकर के पलट गई एम्बुलेंस, जिसमें रिटायर्ड CSP की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। तो बेकाबू होकर पलटी है एम्बुलेंस, आपको बताते चले रिटायर्ड CSP की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। इसी के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। बेकाबू होकर पलटी है एम्बुलेंस, गुना से ये खबर। आए दिन इस तरीके के सड़क हादसे होते रहते हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। ऐसे में गुना में भी इसी तरीके की कुछ खबर सामने आई, जहां पर बेकाबू होकर के एम्बुलेंस पलट जाती है और रिटायर्ड CSP की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल CSP के कुछ परिवार वालों भी इसमें शामिल थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया है। ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा है। बेकाबू होकर के पलटी है एम्बुलेंस, गुना से ये खबर। रिटायर्ड SP की, माफ कीजिएगा, CSP की दर्दनाक मौत हो गई है। बेकाबू होकर पलटी है एम्बुलेंस, गुना से ये खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं, और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, कितनी तेज रफ्तार होगी एम्बुलेंस की। तो बेकाबू होकर के पलट गई है एम्बुलेंस। रिटायर्ड CSP की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। NH 46 की सड़क में यह हादसा हुआ। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब NH 43 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस टक्कर से हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अंबिकापुर और रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। जशपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत होती है, और इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे, जो बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। जशपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जशपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो जाती है, और इसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कार में सवार थे। और इस हादसे में ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। आप देखिए ट्रक की क्या हालत है। ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो कार और ट्रक में भीषण टक्कर, कार सवार 6 लोगों की यहां पर घायल हुए हैं और ट्रक चालक की मौत हुई है। तो जशपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, कार और ट्रक में भिड़ंत होती है, हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो जाती है। बीजापुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। मामला अव्वापल्ली तहसील के कमरागुड़ा
मरदोंडा के पास का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्र और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 12वीं के छात्र गुरुदयाल यालम और 50 साल बुजुर्ग अंगनपल्ली मुत्ता पर बिजली गिरी, जिसके चलते दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो बिजली गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीजापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला और दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक बुजुर्ग और एक बच्चा इसमें शामिल है। गुना से खबर है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जो आपको बताते चले, एक महिला को जिंदा जलाने की वारदात सामने आई है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुना में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामला धनोरिया तहसील का है, जहां आवेदक अर्जुन के नाम पर 1.350 हेक्टेयर जमीन मालिकाना हक के रूप में दर्ज है। वहीं इस जमीन पर प्रताप हनुमंत नाम के व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया था, लेकिन 6 मई को आवेदक अर्जुन को विधिवत ट्रैक्टर से जुतवा करके कब्जा दिया गया, लेकिन बीती दिन 2 जुलाई को अर्जुन की पत्नी को दबंगों ने आग के हवाले करके जिंदा जलाने की कोशिश की और आरोपियों ने ज्वलती महिला का वीडियो भी बनाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अर्जुन की घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आवेदक अर्जुन की पत्नी गंभीर हालत होने की वजह से बयान नहीं दे पाई है। वही पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बताते चले, गुना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए, आपके भी रुएं खड़े हो जाएंगे इन तस्वीरों को देख करके। एक महिला को जिंदा जलाया जाता है और हैरानी की बात तो यह है कि उस महिला को जलते हुए वीडियो भी बना लिया जाता है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया है और उसके बाद उस महिला का जलता हुआ वीडियो भी बना लिया जाता है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों इन दबंगों को कानून का खौफ नहीं रह गया है, क्यों वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इन दबंगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल महिला की जो स्थिति है वो नाजुक बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत ऐसी है कि उसने बयान भी नहीं दिया है, वो बयान देने के लायक इस समय नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। तो मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इन दबंगों के जो हौसले बुलंद हैं, इनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की जाती है। तो जमीन की वजह से यह विवाद होता है और उसके बाद दबंगों ने एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया। प्रयादी जो है वो अर्जुन सहरिया है, उसने रिपोर्ट लिखाई है कि दोपहर को 2 बजे जब वो अपने खेत पर गया तो उसकी पत्नी राम प्यारी खेत पर जली हुई अवस्था में मिली और उसने पूछने पर बताया कि उसको गांव के 3 लोगों हनुमत, श्याम और प्रताप ने जलाया है और इनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इसमें कि करीब मई माह में जो 6 बीघा जमीन फरियादी की थी, इस पर आरोपियों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे तहसीलदार बमौरी ने। खबर गुना से, जहां पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक महिला की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। जी हां, आपको बताते चले, प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक विधवा महिला बद से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक विधवा महिला विद्याबाई के हाल बेहाल हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और देखिए किस कदर ये महिला अपनी जिंदगी गुजार रही है। प्राथमिकता में होने के बावजूद विद्याबाई का पक्के मकान का जो सपना है वो अभी तक अधूरा है। विद्याबाई के कच्चे घर में कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहीं एक और बुजुर्ग महिला के हाल बेहाल हैं। आज के दौर में भी घर के ऊपर जब भी बारिश होती है तो घर टपकने लग जाता है। हालांकि जिला कलेक्टर से लेकर के नगर पालिका पार्षद तक के चक्कर ये महिला लगा चुकी है, लेकिन आज तक इसकी किसी ने नहीं सुनी है।
वहीं मामले में मौजूदा पार्षद से लेकर के सीएमओ ने सिर्फ कोरे आश्वासन दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे बारिश के दौरान घर में ही सर छुपाने की जगह देखते हैं, लेकिन प्रशासन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रखती है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो वादे करते हैं जब वोट मांगने के लिए आया जाता है, वो अधिकारी जो लाख दावे करते हैं कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं और आपको पूरा लाभ मिलेगा, और वो लाभ कैसे दिया जा रहा है वो इन तस्वीरों में आप देखिए। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं, उन अधिकारियों की लापरवाही बयां कर रही हैं जिनके चक्कर ये महिला रोज लगाती है। लेकिन आज तक इस महिला को मकान नसीब नहीं हुआ है, ये महिला कच्चे घर में रहने को मजबूर हो गई है, और जब भी बारिश होती है इसका घर टपकने लग जाता है। इस महिला को न्याय कब मिलेगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं उन नेताओं पर, उन अधिकारियों पर जो कुर्सी में बैठे हुए हैं और कागजों में सारे वादे पूरे कर देते हैं लेकिन हकीकत हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देख करके आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक विधवा महिला किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो चुकी है। नेताओं से आश्वासन मिला है लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। ये मकान की कुकी नहीं आ रही, 3-4 साल से हम घूम रहे हैं, मतलब फार्म तो बहुत दिनों से लगा है लेकिन 3-4 साल हो गए लगातार। आप कहाँ कहाँ पर घूम कर आए? सबसे बोला है और वो भी दे दी रजिस्ट्री के फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ बनवा के दे दिया। क्या बोलूं? क्या बोले, आ जाएगी डल जाएंगे पैसे। यमू है 40 साल। अच्छा, आपको अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सुविधा दी गई है जैसे कि शौचालय है, कुटी है या? अच्छा, राशन कार्ड वगैरह कुछ? राशन कार्ड थे। अच्छा, तो नेताओं से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है लेकिन आज तक मदद किसी प्रकार की नहीं की गई है। प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो रही है ये विधवा महिला। पक्के मकान का जो सपना इसने सजोया था वो सपना इन अधिकारियों की वजह से आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में एक दिन में 124 कोरोना के केस मिले हैं, आपको माफ कीजिएगा 108 कोरोना के केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 108 नए केस मिले, 53 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में 691 लोग केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले मध्य प्रदेश में भी जो कोरोना की स्थिति है वो यहाँ पर चिंताजनक होती चली जा रही है, आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा क्योंकि एक दिन में 108 केस सामने आए। अगर हम एक्टिव केसों की बात करते हैं तो 691 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और इसी के साथ 53 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं। ऐसे में आप सभी को वैक्सीनेशन पर फोकस करना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। अगर आप बाहर जाते हैं तो वहां पर भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 108 केस सामने आए हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खबर। नमस्कार।